अपन एक प्रार्थना किया करते थे क्लास चालू होने के पहले, वो लिखिए। सभी लोग अपने फ्रंट पेज पे या लास्ट पेज पे लिखो, लिखो, सभी लिखना, जिनको मालूम है वो भी लिख लेना। भगवान शब्द की जगह पर आप खुदा, वाहेगुरु, महावीर स्वामी ऐसा चेंज कर सकते हैं। लिखिए, हे भगवान, जल्दी बच्चा बैठो इधर, कॉपी निकालो, एक प्रार्थना लिखो, कॉपी पेन निकालो, जल्दी फ्रंट पेज या लास्ट पेज पे लिखो। हे भगवान, आपका धन्यवाद। कि आपने मुझे मनुष्य बनाया। फिर अगली लाइन में लिखना, हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। फिर तीसरी लाइन में, अगली लाइन में लिखना, हे भगवान, आपका धन्यवाद आपने हमेशा ही मेरी मदद करी है। आगे भी करते रहना। अगली लाइन में लिखना, हमारे एग्जाम्स नजदीक हैं, हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाना। कोमा करके लिखना, पढ़ाई की सभी चीजें हमें सरलता पूर्वक समझ में आए, कुछ ऐसा करना। फिर अगली लाइन में लिखना, हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें एकाग्रता प्रदान करना। एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन, ये बैग आगे रख दो। अगली लाइन में लिखो, हम जिंदगी में हर जगह सफलता पाए, कुछ ऐसा करना। फिर अगली लाइन में लिखना, हे भगवान, आपका बार बार धन्यवाद। क्या नाम तुम्हारा? आर्यंस पवार को हिंदी लिखना नहीं आती। इन्हें कोई कहे कि तुम्हें सुहाग लिखना है तो ये यूं लिखते हैं, सु यो बनता है, वो ऐसा बनाते हैं, देख ले सब जगह। मुझे देखो, तुम सबसे पहला शुरुआती शब्द, सारे ऊंधे बने हुए, और ये अक्षर तो किसके लिए होता? क्या लिखा? पितृ, तो वो र है, ऊ इधर होता। एक बार मन में पढ़ लीजिए इसको, फिर अपन खड़े होकर मन में पढ़ेंगे दोबारा। दीदी उसकी फोटो खींच लो कम से कम, मोबाइल हो तो आड़ा करो, हाँ ऐसे नहीं, वर्टिकल रखो, ऐसे रखो वर्टिकल, खड़े होके खींचो।
और सिर्फ प्रार्थना आए, ऊपर नीचे का कुछ नहीं। पढ़ ली भैया, है ना, खड़े हो जाओ भाई। और घर में भी जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठो ना, तो बढ़िया हाथ मुंह धो के कम से कम 2 घंटे पढ़ने बैठना। उस समय पहले मन में इसको बोल लेना, आंखें बंद रखना, दिमाग एकदम टेंशन फ्री रखना, हाथ भी फ्री हालत में रखना, कोई खास पोजीशन नहीं, एकदम खुश स्थिति में मन में बोलना, ठीक है, जोर से नहीं, आंखें बंद रखना। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मनुष्य बनाया। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। हे भगवान, आपका धन्यवाद, आपने हमेशा ही मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना। हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाना। पढ़ाई की सभी चीज़ें हमें सरलता पूर्वक समझ में आए, कुछ ऐसा करना। हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें एकाग्रता प्रदान करना। हम जिंदगी में हर जगह सफलता पाएं, कुछ ऐसा करना। हे भगवान, आपका बार बार धन्यवाद। बैठिए। कल वाली शीट उठाओ और उसमें आगे का क्वेश्चन करो। जो क्वेश्चन उलझ गए थे मैं अभी उनको देखता हूँ दोबारा। अपन ने मेरे ख्याल से 381 कर लिया था, है ना? तो पैराग्राफ वाला करो ध्यान से। अच्छा, पैराग्राफ क्वेश्चन के बारे में ध्यान से सुनिए। पैराग्राफ क्वेश्चन में ध्यान से सुनिए। तुम्हें पैराग्राफ पढ़कर कुछ भी फाइंड नहीं करना है। तुम्हें पैराग्राफ पढ़कर पहला क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। तुम शुरुआत में तो एक बार पूरा पेपर पढ़ोगे, उसके बाद जब इस पैराग्राफ को सॉल्व करने उतरोगे मैदान में, उस समय भी तुम इस पैराग्राफ तीनों क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस सब कुछ एक साथ पहले पढ़ोगे और ऑब्जर्व करोगे। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि आखिरी क्वेश्चन पहले 2 क्वेश्चन को मदद देता है। जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द कर्व, और तीसरे में लिखा रहता है कि इस पैराबोला की लेटस रेक्टम बताइए। तो भैया पैराबोला है ना, खत्म हो गई बात। इसलिए मतलब मेरा एक्सपीरियंस को समझना, और तीनों सब्जेक्ट में यह चीज का ध्यान रखना। तो करिए इसको सुकून से, पहले क्वेश्चन पैराग्राफ और सारे ऑप्शन सुकून से पढ़ो, फिर ट्राई करो। सीधा शुरू नहीं हो जाना है इसमें। आज की डेट, हेडिंग, टाइम डाल के अटेंडेंस शुरू कर दो। नाम और साइन, बस और कुछ नहीं। नाम, हेडिंग, क्लास, टाइम। एक थ्योरी सीखो मेरे से, सुनो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है? वो लाइट करो, डूबे, बोलो बोलो। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है? मुझे 2+1 and 5+1 यानी कि 3 and 6 की इक्वेशन बनाना है, क्या करूं? बोलो बोलो बोलो, ऊपर तो देखो बे। ओ भैया, ओ भाई साहब, इधर तो देख। अरे क्या लिख रहा है? अटेंडेंस की इस्ते से तुम आए काय के लिए हो इधर? पढ़ने की अटेंडेंस लगाने? जब मैं समझा रहा हूं तब समझो, जब मैं इधर बैठ जाऊं सुकून से तब लगाना अटेंडेंस। हाँ, क्या करूं? सुनिए, समझाता हूं। ये है इसके रूट, x1 = 2, x2 = कितना, और
इसके रूट्स का नाम है कैपिटल एक्स वन, कैपिटल एक्स टू, जो कि क्या है, एक्स वन प्लस वन, एक्स टू प्लस। तो नई वाली इक्वेशन कैपिटल एक्स में मानो, तो एक्चुअली कैपिटल एक्स क्या हो गया, स्मॉल एक्स प्लस वन। तो स्मॉल एक्स इज इक्वल टू हो गया कैपिटल एक्स माइनस क्या, आप इस इक्वेशन में ये पुट कर दीजिए, होल स्क्वायर खोल दीजिए, तीन और छ की इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस तीन प्लस छ एक्स प्लस तीन इंटू छ, तुम्हें याद हो तो वो रही, ये रही। कितने लोगों ने ये सोचा, किसी ने नहीं सोचा। ऐसे में बच्चे क्या कहते हैं, अरे यार वो तो पागला लेट आता है, ऊपर से पूरे तीन घंटे में सिर्फ सात आठ क्वेश्चन होते हैं और घर भेज देता है। उन सात आठ में से ही कोई एक चीज होती है काम की, आप स्थिति समझ रहे हो। अब ये तुम्हें याद नहीं है, दिमाग में नहीं है, या पढ़ाया है तो भी भूल गए, तो एग्जाम हॉल में कैसे बाहर आएगा। तो रोज थोड़े थोड़े टॉपिक और कंसेप्ट डिस्कस होते रहेंगे। तुम घर पे होते तो इस समय पक्का सो रहे होते, और जो सो रहे हैं उनको सोने भी दो। इस कंसेप्ट का अगले क्वेश्चन में यूज करो। एक्चुअली जो पहला इक्वेशन है उसके रूट्स वन ज्यादा है कि अगले के वन ज्यादा है। द रूट्स ऑफ आर रियल एंड ईच इज वन मोर देन ऐसा ऐसा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, सुनो इसके रूट्स क्या है, एक्स वन एक्स टू, और एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस फाइव के रूट्स क्या है। तो इसको कैपिटल एक्स ले लो, इसको कैपिटल एक्स ले लो। तो कैपिटल एक्स क्या हुआ, स्मॉल एक्स प्लस वन, तो स्मॉल एक्स बराबर कैपिटल एक्स। इसमें पुट कर दीजिए कैपिटल एक्स माइनस वन, कैपिटल एक्स माइनस वन। अब इसको खोलिए, खोलने के बाद हम कोएफिशिएंट इक्वलेंट करेंगे, आपको पी क्यू और ए में रिश्ता मिल जाएगा। अब ये कंसेप्ट कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन में लगाया, ओनली अदित अग्रवाल। ऐसे कैसे आप मतलब हवा में उड़ते रहते हो, है सुकून से आओ, सेल्फ स्टडी करो, पढ़ो, घर जाओ, करिए जल्दी फटाफट। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस पी एक्स माइनस पी प्लस क्यू बराबर जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पी माइनस टू प्लस पी क्यू माइनस पी प्लस वन बराबर जीरो। इस इक्वेशन के रूट्स एक्स वन प्लस वन, एक्स वन प्लस वन है, और दूसरी के भी हमें यही कहे जा रहे हैं, ठीक है दादा। तो माइनस ए बराबर क्या हो गया, पी माइनस टू, क्योंकि हाईएस्ट पावर का कोफिशियंट सेम है, नहीं तो हम रेशो में लिखते ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो ए इज इक्वल टू माइनस पी प्लस टू, और ये लिख लो ए प्लस फाइव इज इक्वल टू क्यू माइनस पी प्लस वन। बोलो बच्चा, ए की जगह ये लिख लिया माइनस पी प्लस टू प्लस फाइव, बोलो कितना हो जाएगा। अबे पी से पी कट गया, क्योंकि वैल्यू कितनी आ गई, सिक्स। अरे गजब हो गया, क्योंकि वैल्यू सिक्स आ गई, वाह भैया वाह। तो क्यू बराबर सिक्स हो गया भाई। तो ए प्लस पी इज इक्वल टू क्या, टू हो गया क्या, देखना ए प्लस पी, तो हमें पहले से मालूम है टू है बे। इतना लिखो अब इसके आगे पता चले कुछ क्या करना, क्योंकि वैल्यू सिक्स है, इतना तो ज्ञान हुआ। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो। अरे एक मिनट, अरे सुनो सुनो सुनो, नहीं कोई मतलब ही नहीं है ना। अरे एक काम करो, पहला आंसर तो हो गया 382 तो हो गया ना, क्यू बराबर सिक्स है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है खत्म हुई बात। अब आगे बढ़ो, पूरी एक सीरीज ऐसे ऊपर खिसक गई है ना। तुम देखो, कल मैं नींद में था ना यार, परसों देखिए आप, देखो देखो 377 है ही नहीं बीच में, तो वो पूरे आंसर ऊपर नीचे हो गए, तो उस पर भरोसा मत करो।
अपना तो देखो ना, व्यवस्थित आ तो रहा है सिक्स, ठीक है। अब इतना लिख लो सब बच्चे, मैं मिटाऊंगा। फिर उन्होंने मिनिमम वैल्यू ऑफ पी इज के ऐसा बोला है, तो पी की खूब सारी वैल्यू हो सकती है क्या? मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पी इज के। एक काम करो ना, पी की मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू वन, यदि ए भी फिर पॉजिटिव हो तो। ए पॉजिटिव है ऐसा कहीं लिखा है क्या? ए बराबर टू पे क्या? तो के जीरो। एक काम करो, वो जो द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल लिखा है ना, उसका डी पॉजिटिव करो। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस फाइव, इसके रूट्स रियल है, तो डी कैसा? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस ट्वेंटी, तो फैक्टर बनेंगे क्या? थ्री एटी फोर। हाँ, क्या करूं इसमें, बोलो ना। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो 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 देखो, अगले क्वेश्चन ने मदद भेजी। देखिए आप, देखिए आप, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस फोर ए ट्वेंटी। अब बीच का एक फंसा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सिक्स हो गया ये, तो क्यू की जगह सिक्स। इसके भी रूट कैसे हैं साहब? रियल। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या ग्रेटर देन इक्वल टू, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो पी बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट चौबीस, यूनियन रूट चौबीस से लेकर इंफिनिटी, ऐसा ही हुआ इसका मतलब। तो पी की मिनिमम पॉजिटिव रियल वैल्यू क्या हुई? पांच। अरे रूट चौबीस से जस्ट बड़ा कौन? रूट पच्चीस, तो पांच। पी बराबर क्या पता चल गया भैया? तो के बराबर कितना हो गया? पांच। अब पी की जगह तुमने पांच यूज कर लिया, ए प्लस पी बराबर टू है, तो ए प्लस पांच इजिकल टू टू, तो उस एक थोड़ी देर के लिए ए कितना हो जाएगा? समझ रहे हो आप बात को? अब आप बीच वाला कर दीजिए, ए माइनस तीन है, ए माइनस तीन है, ए माइनस तीन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, देखना सही लिखा है क्या? अबे के भी पांच और इधर भी पांच लिखा है, तो ये क्या हो गया? तो यह क्वांटिटी नेगेटिव है, इसका मतलब रूट्स होंगे, तभी तो इसका ग्राफ कैसा जाएगा, और इजिकल टू नहीं है, इसका मतलब रूट अलग अलग होंगे, तो डी क्या? तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब आप यहां से ले लेना, कैन नॉट बी जीरो से फोर के बीच में नहीं हो सकती, तो जीरो से फोर के बीच में कौन सा आंकड़ा? बस दुखी नहीं हो सकती, लिखिए साहब। तो दिमाग शांत रहेगा, घबराओगे नहीं तो हो जाएगा, और अपन घबराएंगे कैसे नहीं, मेरी बात सुनो, एग्जाम हॉल में घबराहट में बिगड़ता है पेपर, तो घबराहट हम पे ना चढ़े उसके लिए क्या करें? मेरा एक स्टूडेंट था ना, उसने मैथ्स में से जितना बनता था कर लिया, केमिस्ट्री में से जितना बनता था कर लिया, फिजिक्स देखकर नहीं बन रहा था, उसने मालूम क्या किया, यूं सबको देखा, ये सब मेरे नौकर बनेंगे, मैं कंपनी का मालिक बनूंगा, सब आईआईटीएन मेरे यहां जॉब करेंगे। वहां आराम से थोड़ी देर बैठ गया, पांच मिनट ठंडे दिमाग से, भाई मैंने अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट पढ़ा है, भारत देश में हर बच्चा नौकरी पाने के लिए पढ़ाई कर रहा है, आप भी देख लो, समझ देख रहे हो आप, तो ये देश नौकर ही बनेगा ना पूरा का पूरा। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को ये सिखा ही नहीं रहे कि तू बिजनेस में कूद, रिस्क लेनी चाहिए, तभी हम बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, आप समझ रहे हो। मेरे मामा ने जब मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ
तो पहले तो उन्होंने ये पूछा कि यार तेरा हो कैसे गया, फिर हो गया ठीक है, हो गया उससे उन्हें दुख हुआ। सुनो तो सही, एक मिनट, आपका तनाव खत्म कर दूंगा एग्जाम हॉल का, ओ लिखाई पढ़ाई क्या कर रहा, मैं जब काम की चीज बता रहा हूं तब भी तुम पढ़ रहे हो, दैट्स वाई तुम काय की तैयारी कर रहे हो नौकर बनने की। दीवाल से दूर हटो दुबे, सुनो बड़े ध्यान से, मेरे मामा ने मुझे बड़े सुकून से सामने बिठा ला, उनकी चाय पत्ती की दुकान है ओल्ड सिटी में, उन्होंने मुझे बोला कब, 2001 की बात है, कि तेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई फिर क्या करेगा। मैंने कहा नौकरी करूँगा, कहते कितने मिलेंगे नौकरी में, तो उस जमाने में 25,000 रुपये महीना की नौकरी अच्छी मानी जाती थी। मैंने उनसे कहा 25,000 रुपये महीना, 2000 का वर्ष, मतलब आज ये बिल्डिंग 6 करोड़ की है तो उस समय सिर्फ 50 लाख की होती थी। होटल सुरेंद्र विलास है ना, वो प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपये में बिका है, होटल सुरेंद्र विलास डीबी मॉल के ठीक सामने, आज वो होटल की कीमत कम से कम 15 करोड़ होगी। 83-85 में वो प्लॉट 5,000 में बिका है सारे लाइन से, तो उस समय मेरा 25,000 बोलना मोर देन इनफ था। उन्होंने मुझे वहीं बिठाया, उन्होंने कहा ये एक पेटी 40 किलो चाय भराती है, इसके अंदर एसी लाइन से 5 पेटी रखी हुई है, तो हम जो चाय आती है वैसी की वैसी नहीं बेचते, हम चाय का ब्लेंड करते हैं, ब्लेंड मतलब मिक्स नहीं, मिलावट नहीं, ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब अलग अलग चाय की पत्ती में अलग अलग गुण होता है, किसी का गोल्डन कलर आता है, कोई कड़क बनती है, कोई स्वादिष्ट बनती है, उनको सही रेशो में मिक्स करते हैं और फिर हमारा खुद का प्रोडक्शन चालू होता है। तो वो जो मिक्स किया फिर वो बिकता है, तो लोग दूर दूर से लेने आते हैं, चाहे कितना भी पेट्रोल जले मगर खरीदेंगे हमारे यहीं से। तो मामा ने समझाया एक पेटी में इतने किलो चाय, फिर उनने कहा मान लो कि प्रति किलो मुझे 5 रुपए का फायदा होता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि डेली इतने रुपए कमाए जाते हैं जितने की सुहाग महीने में कमाने की बात कर रहा है, क्या समझ रहे हो आप स्थिति, मतलब बिजनेस है तो हम डेली 25,000 कमा सकते हैं और नौकरी है तो। एक तो सुनो सेठ की, आज मेरा मूड हुआ हनुमान जयंती है, मैं कुर्ते पजामे पहन कर आया, मान लो मैं कहीं जॉब में होता तो मेरे को उसी कोचिंग की यूनिफॉर्म पहन कर आनी पड़ती, तो दिमाग में आज़ादी है फिलहाल मेरे, और मेरे साथ के जो दोस्त थे टॉपर कॉलेज के वो जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा तो मैं स्टाफ को बांटता हूँ। तो खुदा ने मेरी आईआईटी नहीं निकलवाई। एक बार तो मैं एक छोटे से स्कूल में जॉब मांगने गया था, मुझे रिजेक्ट किया गया, तुम होते तो सुसाइड कर लेते। कल ही मैं पढ़ रहा था, जिसने व्हाट्सएप बनाया उसको फेसबुक ने रिजेक्ट किया था, ट्विटर ने रिजेक्ट किया था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी, अकेले अकेले व्हाट्सएप बनाया और अब वो फेसबुक का पार्टनर है। तो खुदा आपको यदि नौकरी दिलवा देता, बताओ आप मुझे, फेसबुक में उसको नौकरी मिल जाती पहली बार में, तो आज कोई जानता उसे व्हाट्सएप के नाम पे। तो तुम अपने हिस्से की कोशिश करो, कोशिश से पीछे नहीं हटना है, हमें हमारे हिस्से की मेहनत करना है कि हम पूरी मेहनत करेंगे। मैंने जो टाइम टेबल दिया ना, तीनों सब्जेक्ट बैलेंस रखो, मालूम नहीं साला कौन सा कठिन आ जाए, तुमको मैथ्स पे बहुत भरोसा है या तुमको केमिस्ट्री पे बहुत भरोसा है, पिछले साल की घटना, पूरे इतिहास में सबसे कठिन केमिस्ट्री और फिजिक्स सबसे टुच्ची, अब तुम मान लो कि फिजिक्स पढ़ ही नहीं रहे हो इस 40 दिन में, तुम मैथ्स केमिस्ट्री पे लगे हो और फिजिक्स इतनी सरल आ गई कि यदि रिवीजन भी करके गए होते तो सिलेक्ट हो जाते, और मैथ्स केमिस्ट्री इतनी कठिन आ गई कि तुम कुछ भी पढ़ लो कुछ नहीं होगा। फिर मैंने क्या सिखाया,
तीनों की बैलेंस पढ़ाई करो। हम हमारे हिस्से की ईमानदारी से मेहनत करेंगे, और एग्जाम हॉल में कुछ गड़बड़ महसूस होती है तो सुकून से चारों तरफ नजर घुमाएंगे, यस ये सारे शार्प माइंडेड, मेरी कंपनी में जॉब दूंगा इनको, तभी तो मेरी कंपनी आगे बढ़ेगी। एकदम आनंदित स्वभाव में, सिर्फ सोचना नहीं है, महसूस करना है। आप समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो आप बात को? महसूस करना है, सिर्फ सोचना भर नहीं है, और एकदम 5 मिनट आराम से बैठ जाना है कि यदि मैं रिजेक्ट हो रहा हूं आईआईटी की नजर से, तो खुदा ने मेरे लिए बड़ा ज्यादा बड़ा काम सोच रखा है। तो तुम तनाव मुक्त रहोगे और ये क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। अच्छा ध्यान से सुनिए, मैंने तीसरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, मैं उस स्टेज पर आकर भी खड़ा था, फिर भी मैं उसे मिटा देता। मैं क्या सोचता, अरे यार ये तो काम का ही नहीं है। उत्ते में एक बच्चे ने क्या बोला, अरे ये 384 का आंसर है। समझ रहे हो आप बात को? इसलिए मैंने क्या बोला, पूरा पढ़ना है, मेरे एक्सपीरियंस का उपयोग करना, एग्जाम हॉल में तनाव तुम पे न चढ़े, इसलिए आनंदित रहना है और ये महसूस करना है कि यदि खुदा हमको ये चीज नहीं दे रहा है तो हाथ खाली रखना चाहता है, तभी तो ज्यादा बड़ी चीज देगा। उसने अपन को कुछ दे दिया तो हाथ भर गए, इस टेबल पे मुझे कुछ सामान रखना है तो पहले इसको खाली तो करूंगा ना, तब रखूंगा ना। तो एग्जाम हॉल में तनाव न चढ़े, इसलिए इन दिनों भी टेंशन फ्री रहो कि मैं अपने हिस्से की मेहनत तो कर रहा हूं, मगर जो भी होगा वो मेरे फायदे का होने वाला है। समझ रहे हैं आप बात को? शाहरुख खान फिल्म एक्टर बनने के पहले उसने किसी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम दिया था और वो फेल हो गया था, उसको एंट्री नहीं मिली थी। यदि वो थोड़ा बहुत पास हो जाता तो थोड़ा थोड़ा एक्टिंग करता, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता, खुदा ने क्या किया उसको उधर फेल कर दिया। फेल कर दिया तो उसने पूरा ध्यान इधर लगा दिया। आप समझिए, जो होगा अच्छे के लिए होने वाला है। तो आनंदित रहो और खुश रहो। यदि सारे आईआईटीएन नौकर बन गए, सारे ही नौकर बन गए, तो भैया ऑटोमोबाइल्स की फैक्ट्री कौन डालेगा जिसमें ये लोग नौकरी करेंगे? फैक्ट्री भी तो हमें डालनी है ना, उसमें जो नौकरी देंगे अपन इनको भाई। एकदम आनंदित रहो, टेंशन फ्री रहो, तनाव चढ़ेगा ही नहीं। इसलिए लोग कहते हैं कि माना कि इस दुनिया में भगवान नहीं है, मगर भगवान को मानने वाले टेंशन फ्री रहते हैं। वो क्या कहते हैं, अरे छोड़ो यार, भगवान निपट लेंगे, सो आराम से। तो दिमाग से टेंशन हट गया तो सही आइडिया आएगा। और जो लोग भगवान को नहीं मानते वो टेंशन में जीते हैं कि यार हमें ही सब करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो बात को? आनंदित रहो, टेंशन फ्री, ये लिखो पूरा। अरे अरे भाई, वो जो 383 क्वेश्चन है उसमें के की वैल्यू 5 है ना, तो 5 से 5 कट गया भाई, जगह कम थी। ओए अंदर आ, क्या करके आए तुम मेंस में, कुछ अच्छा है करके आए हो? क्या क्या बिगाड़ा? ठीक है, वो तो मालूम था तुम्हारी बचपन से मैथ्स खराब है, और एडवांस में फोड़ दे भाई, है ना। अरे मैंने एक डायलॉग लिखवाया था, पहले पेज पे सब लोग दोबारा लिख लो और उसको महसूस किया करो। जिन्होंने लिखा है तो वो मत लिखना, लिखो शेर तो शिकार करता ही है, ऐसा लिखो, शेर तो शिकार करता ही है लेकिन जख्मी शेर तबाही मचा देता है। शेर को भूख लगती है तो वो शिकार करके खाना खाता है, उसका भाई खाना है ना, मगर वो शिकार करने जा रहा है, सामने भेड़िए कुत्ते खड़े हैं, वो हमला करने गया, उत्ते में भेड़िए ने उसको लपाड़ा मार दिया, गाल पे 2-3 निशान आ गए, फिर उसको गुस्सा आता है, फिर उसे भूख नहीं लगी ना तो भी वो थोड़ी देर के लिए तो कसम खा लेता है कि ये भेड़ियों की पूरी नस्ल खत्म कर दूंगा आज, मेरे को लंच करते में डिस्टर्ब कैसे किया। तो तुम्हारी मेंस में यदि नंबर थोड़े से कम आए हैं
तो तुमको गुस्सा आना चाहिए कि मैं एडवांस में फोड़ दूंगा, इतना पढ़ूंगा इस 40 दिनों में, तो तुम कुछ कमाल कर दोगे। आप समझिए ध्यान से, कुत्ते आसानी से बैठे हुए हैं सड़क पे, तुम उनको लठ मार दो, पत्थर मार दो, तो वो दौड़ते हैं और फिर तुम्हारी वाट लगाते हैं। तो तुम ये महसूस करो कि ये मेंस में मैथ्स का पेपर लेंदी होने की वजह से बिगड़ा, अब तुम्हें एडवांस की वाट लगानी है। ऐसा एनर्जी से भरपूर होकर पढ़ाई करो, समझ रहे हो आप बात को। चलिए अगला करना है, मोर देन वन पर आइए, मोर देन वन पर आइए। ओ भैया सुधारो, आंसर सुधारो, ये लास्ट पेज खोलो और आंसर सुधारो। एक पेन ब्लैक मुझे भी दे देना, सुधारना भाई जल्दी फटाफट सुधारना। 75 का डी सही है, 76 का बी सही है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या करना है, जैसे कि ध्यान से सुनना, 378 के सामने क्या लिखा है, ए, 379 के सामने क्या लिखा, सी, 380 के सामने क्या लिखा, सी, 381 के सामने क्या लिखा, डी। तुम्हें ऐसा ऐसा लाइन बना देना है, रुको रुको मैं बताऊंगा कहां तक बनाना है, और सुनो सुनो अलग से लिख दो यहां बाहर, यहां 376 लिखा है तो तुम 377 लिखकर ऐसा कर दो कि 377 का ए है, अलग से बाहर लिखो, बाहर लिखना और एरो लगाकर ए कर दो, फिर 378। अब रुको मिलाना है मेरे से, ऐसे ऐसे मिलाना, आगे आगे मत भगना, आगे भी गड़बड़ है बहुत बड़ी। सुनना, 375 का डी हो गया, ठीक है, उस पर टिक लगाते जाओ कि ये सही लिखा है। 376 का बी सही है, ठीक है, 377 अलग से एंट्री करवा कर ए शो कर दिया, ठीक है, 378 सी लाइन मिला दी, ठीक है, 379 सी, 380 डी, 381 डी, रुकना अभी, 381 डी हो गया, 382 सी हो गया भाई, 383 बी हो गया भाई, रुकना, अब सुनो, रुको, 384, अब जैसे 384 लिखा है, 384 के सामने बी है ना, वो उसका आंसर नहीं है, तो यहां बी लिखा है, यहां 385 करके क्या लिखा है, ए बी और सी लिखा है ना, तुम 384 में से तीर निकालो और लिखो ए ओ आर और बी ओ आर और सी, है सिंगल करेक्ट का, मगर गलती से मोर देन वन फंस गया, तो 384 करके ऐसा लिखना और 385 फिर सही है, 386 भी सही है, 387 भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है, अब सब सही है। तो क्या हो गया, 384 रिपेयर होना है अब, ठीक है दादा। चलो अब आइए 385, कोशिश कीजिए, जल्दी कीजिए। नहीं, 384 में तीन तीन आंसर क्यों हो गए, जो भी हो कल और समझ लेंगे, अभी तो आप लिखो, अगला करो 385 करो, वो चेयर आगे खींच लो, तुम्हारी प्लास्टिक वाली खींचो आगे उसको, हाँ और आगे खींचो, कितने लोग सफल हो गए। आइए देखिए, c इज इक्वल टू d नहीं कर पाएंगे, तो 2c प्लस d बराबर 0, d बराबर माइनस 2c या c बराबर माइनस d बाई 2। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, और ये जो चीज है ये क्या है, 2c स्क्वायर प्लस d बराबर c लिखा, तो d बराबर क्या है, माइनस 2c, तो 2c स्क्वायर माइनस 3c बराबर 0, c 0 हो नहीं सकता, तो 2c माइनस 3 बराबर 0, तो c बराबर कितना, अब तुम्हें c मिल गया तो इसमें रख दो, तो 2 इंटू 9 बटा 4 प्लस डी बराबर 3/2, तो 9/2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू माइनस डी, 6/2 माइनस डी, तो डी बराबर माइनस 3। अब खत्म ही हो गया खेल, कितने लोग यहां तक कम से कम पहुंच गए, बनाना सरल भैया बनाना, फिर क्यों बदनाम करते हो मेरे को, अब किसी की बचपन से मैथ्स कमजोर है तो मैं क्या कर लूंगा,
फिर भी तुमसे बन रहा है क्वेश्चन, करो जल्दी। C इज इक्वल टू D यदि हो गया तो देखो क्या होगा। तो सुनो क्या होगा, 2C स्क्वायर। सुनो तो सही, सबसे पहली इक्वेशन में C और D अपन ने पुट कर दिया इक्वल, तो D की जगह C लिख लिया। बड़े ध्यान से सुनना, तो 2C स्क्वायर प्लस C इज इक्वल टू C, C में से C घट गया तो 2C स्क्वायर बराबर 0, तो C बराबर 0 मना है। अन्य चेंज टू D 0 नहीं हो सकता, धरती का बोझ कह रहा है कि C 0 हो सकता है मगर C इंटू D 0 नहीं हो सकता। इसे कहते हैं ध्रुव। चलो भाई जल्दी जल्दी करो, मेरे ख्याल से बहुत टुच्चा क्वेश्चन है। यहां देखिए, सुनिए, ये पाई बाय टू, ये क्या, तो ऊपर वाला कॉस है नीचे वाला साइन है, तो 15 डिग्री पर क्या होगा, कॉस बड़ा साइन छोटा, तो साइन माइनस कॉस विल बी नेगेटिव। 10 जीरो पे जीरो देता है, पाई बाय टू पे इंफिनिटी देता है, ऐसा। और कॉट ये रहा, तो ये फिर से क्या, 45 डिग्री, तो 27 डिग्री, 27 डिग्री पर 10 छोटा कॉट बड़ा, तो फिर से नेगेटिव हो गया। कॉस 93 साइन 93, ये रहा, ये 93, तो ये साइन है और ये क्या है, तो 93 डिग्री पर साइन बड़ा कॉस छोटा, सही है ना मेरा ग्राफ। तो कॉस 93 डिग्री पर माइनस 0.1 जैसा कुछ देगा और साइन 93 डिग्री पर 0.9 जैसा कुछ देगा, तो उसका एडिशन पॉजिटिव होगा, है ना। और कॉट 127 टेन 127, तो ये पाई, तो ये कितना होगा, 135 डिग्री, तो उसके पहले कौन होगा, 127 डिग्री, तो 127 डिग्री पर ये कॉट और ये क्या, तो कॉट ऊपर है बड़ा है और नीचे 10 है छोटा है, तो कॉट माइनस में होगा मगर बहुत छोटा, 10 माइनस में होगा मगर बहुत बड़ा, तो रिजल्टेंट नेगेटिव, तो n1 n3 और n4 नेगेटिव। पीछे देखना आंसर, ए तो सब गलत है क्या बे, अरे अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, n2 अपना पॉजिटिव था, है ना। हाँ सही है यार भाई, चलो आप लोग करो 387। मैं एक्चुअली जब तक तुम लोग करते हो ना उतनी देर क्वेश्चन भी नहीं पढ़ता, जब आप लोग का काम पूरा हो जाता है फिर क्वेश्चन पढ़ता हूं, यानी कि उतनी ही देर में क्वेश्चन सॉल्व करता हूं जितने में आप करते हो। कितने लोग ग्राफ बनाकर ही सफल हुए, हाथ उठाइए, बिना ग्राफ के इसमें काम नहीं किया जा सकता, करिए जल्दी। बातें मत कर भाई, हो रहा कि नहीं हो रहा, कितने लोग सफल, कैपिटल एम की वैल्यू क्या आई, बहुत अच्छे बच्चे आप। जी एक्स है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, तो मिनिमम या मैक्सिमम मिलता है माइनस बी अपॉन टू ए पर, यानी माइनस वन अपॉन टू डॉट माइनस वन, तो वन बाई टू, वन बाई टू रख दिया, कितना हो गया ये देखना, देखना कितना हो गया। तो यही तुम्हार कैपिटल वन एम है, इसका मतलब एफ एक्स को छोटा रहना है किससे, क्योंकि m की जगह माइनस 3/4, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3/4 प्लस 0 हो गया। अब f के नीचे वाली चीज का क्या है, जो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32 है, इसका d चेक करो क्या है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है इसलिए ये पूरी चीज क्या हो गई, तो सिर्फ ऊपर वाली चीज ax स्क्वायर प्लस 2 a प्लस 1 x प्लस 9a प्लस 4 को क्या होना है, एफ एक्स के नेगेटिव होने के लिए डिनोमिनेटर तो ऑलवेज क्या है, तो उसके नेगेटिव होने के लिए सिर्फ नीचे वाला जिम्मेदार है, तो
इसका ये ए क्या होना चाहिए, मुंह नीचे, और ये क्या डी कैसा, अब हो जाएगा, करिए जल्दी में आया, मिटा दो इसको। अरे पहुंच गया आंसर पे, अगला करो। अरे जब इधर इज इक्वल टू नहीं है ना, तो नॉर्मली इज इक्वल टू फिर आंसर में नहीं आता, क्या दिया है ऐसा नहीं। सुनिए 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 सुनिए, जेन जी क्या लिखा है, देन ट्रू सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए लाइज इन, इंग्लिश तो पढ़ो, तुम्हारा आंसर इसकी वजह से क्या आएगा, यस ये किसके अंदर बैठा है। अरे डी आएगा ना, अरे डी क्या है, माइनस इंफिनिटी से जीरो तक, तो डी ये है, मेरा ए क्या है, तो ये बड़ा के अंदर समा गया। भाषा समझो, भाषा में उलझाते हैं, तुमसे क्वेश्चन बन गया तुम आंसर पे भी पहुंच गए, उन्होंने उलझा दिया। हाँ वो ये पूछते कि ट्रू सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए इज तो ओनली बी, डोमेन ऑफ ए तो रेंज ऑफ ए तो ओनली बी, मगर उन्होंने क्या इंग्लिश में उलझाया, ये किसके अंदर बैठा है। आप इसीलिए तो अपन इकट्ठे हुए हैं कि एडवांस क्या भाषा यूज करेगी वो पता चले। करिए साहब 38 करिए, 388 कीजिए। तुम भैया वो क्वेश्चन लाए हो तो पूछ लो, नहीं तो क्लास खत्म होने के बाद बोलते हो कि क्वेश्चन करना, प्रिंटेड दिखाओ मुझे। किसी को यदि पर्सनल कोई डाउट है तो भैया चलती क्लास में पूछा करो, और प्रिंटेड क्वेश्चन लेकर आया करो, किसी भी कोचिंग का हो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मगर जैसे ही क्लास खत्म हुई मैं अंदर चला, कितने डाउट, तो भैया तुम डाउट अभी पूछो तो सबको फायदा हो, तुम अकेले में सीख के भग जाओ ऐसा थोड़ी। एदास गुप्ता बुक है क्या, एदास गुप्ता है, क्यों कर रहे हो एदास गुप्ता, तो फिर क्या कर रहे हो, मत करो ये एदास गुप्ता और एमएल खन्ना, ये दो बुक बहुत पुरानी आईआईटी जो होती थी 92 के पहले, उस समय ये बुक काम की होती थी, और जिन टीचरों ने इससे पढ़ा है उनको ये बुक आती है, वो अब पूरी क्लास में चिल्लाते हैं कि एदास गुप्ता करो एदास गुप्ता करो, असित दास गुप्ता है ना, लाओ दे दो भैया। अभी यदि तुमको मैथ सीखनी है तो अभी जो बुक आपको काम आएगी उसका नाम है न्यू पैटर्न ऑब्जेक्टिव, क्या अब वो आपके पास होगी नहीं, वो मेरी लाइब्रेरी में है, इशू करवाओ लो पढ़ो फिर वापस कर देना, लाइब्रेरी चार्ज लगेगा आपको, वापस जब कर दोगे सारी बुक्स तो लाइब्रेरी के पैसे वापस 100 या 200 रुपए काट के, तो आप मेरी लाइब्रेरी से वो बुक ले लो, मगर वो बुक इसकी डबल साइज है, और एक भी थ्योरी नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स विथ डिटेल सॉल्यूशन, तो आपको कोई तनाव नहीं। मगर वो अब 40 दिन में करने लायक नहीं है, 40 दिन में मैंने जो कहा वो करो, कौन सा नंबर का ले भाई, ऑप्शन तो बता दो कि थ्योरेटिकल है, देखना तो मत करो ना भाई, मैं बोल तो रहा हूं डॉट, एक्चुअली इस बुक में ऐसा बना हुआ था तो ये डॉट से डर गया, ये ऐसा क्वेश्चन था, और नीचे अलग से लिखा है कि डॉट मींस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो दो डॉट है तो दो बार डिफरेंशिएशन, इसको लिखो इसको घर पे ले जाओ, सब लोग बुद्धि लगा के करके लाना, इसके लिए जगह भी छोड़ना। आंसर तो बताओ क्या है, मतलब टी की टर्म्स में है यू की टर्म्स में है, देव दिखाओ दिखाओ। एक काम करो, मैंने इसका स्क्वायर किया उसका भी स्क्वायर किया और सम कर दिया, तो बोलो क्या होगा, यू स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, फिर वी स्क्वायर, फिर क्या इसका क्या बनेगा, 2uv साइन कॉस, उसका माइनस, क्यों
अबे इसका इसक आती थोड़ी थोड़ी मैथ आती मेरे को, प्लस टू यू वी साइन टी कॉस टी और वो साइन टी कॉस टी कट गया जीरो इजिकल टू 25 और 49, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इजिकल टू कितना ले 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 ये रहा 74। मगर अब वो टी पे डिपेंड ही नहीं है तो मैं क्या करूं, टी पे डिपेंड नहीं है ना, टी पे रिस्पेक्ट में कहां से करूं, लिखो इसको आंसर 74 है, लिखो आंसर भी 74 है, लिख तो लो, सोचना घर पे, ये प्रसाद लो भाई हनुमान जन्मोत्सव का, इस क्वेश्चन को लिख लो घर पे करना, अभी मेरा अगला क्वेश्चन करो। ओके नॉट आइडेंटिकल, ठीक है, तो 388 साइन 2x में हम ऑल रियल नंबर रख सकते हैं, रेंज मिलेगी -1 से 1, नी और ये जो दो हैं इसके अपॉन में टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर है, तो मेरी बात सुनो, हम 10 की जगह पाई बाय 2 एक्स में नहीं रख सकते, इन्फिनिटी मार देगा, तो डोमेन अलग अलग हो गई, तो पहला आंसर टिक होगा, नॉट आइडेंटिकल है इसलिए टिक होगा। दूसरा दूसरा 10 इंटू कॉट तो मल्टीप्लाई करने से 1 हो गया, साइन इंटू कॉजेक मल्टीप्लाई करने से 1 हो गया, मगर ध्यान से देखो कुजेक लिखा है, क्या लिखा, कुजेक, कुजेक मतलब 1/sin, किसी की डबल की इच्छा है तो हाथ उठाओ, पंडोलिया उठा हाथ, पानी मत पीना गला जाम हो जाएगा, कम से कम 15 मिनट पानी नहीं पीना, और जब पानी पियो तो वॉश बेसिन में जाके पहले गरारे करना, एक्चुअली जो शकर जमी हुई है गले में उसको अंदर उतारने की जगह बाहर फेंक दो और फिर पानी पीना, तो आपको कभी सर्दी नहीं होगी। सुनो बच्चा यहीं बैठे बैठे कर सकता हूँ, अब 10 इंटू कॉट लिखा है ना, तो 10 में तुम पाई बाई 2 नहीं रख सकते, मगर इधर वाले में साइन इंटू कॉसेक में रख सकते हो, नॉट आइडेंटिकल, ये भी टिक होगा। मॉड कॉस प्लस मॉड साइन, ठीक है, ऑल रियल नंबर पुट किया जा सकता है, इधर पे सेक और कोजेक है, मतलब आप जीरो भी नहीं रख पाओगे ना पाई बाई 2 भी नहीं रख पाओगे, नॉट आइडेंटिकल, टिक होगा। डी 10 2x का ही फार्मूला होता है क्या, 2 10x / 1 - 10 2x, रुको रुको सुनिए, 10 2x है, तुम x की जगह पाई बाई 4 रखोगे तो पाई बाई 2 बनेगा, नॉट अलाउड, इधर वाले में अपॉन में 1 - 10 2x है, तो 10 यदि 1 होगा तो नॉट अलाउड, और 10 1 होगा पाई बाई 4 पे, तो दोनों पाई बाई 4 रखने से मना कर रहे हैं, मगर मगर जो पहला वाला है सिंगल वैल्यू उसमें तुम पाई बाई 2 रख सकते हो, देखो देखो रख सकते हो, पाई बाई 2 इंटू 2 पाई और 10 पाई 0, और इस वाले में तुम पाई बाई 2 रखोगे तो 2 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी थोड़ी देर के लिए भी बन रहा है बीच में तो नॉट अलाउड, इसका मतलब ABCD चारों टिक होंगे। कितनों ने मुझसे पहले बिना कलम चलाए आंखों आंखों में मेरी तरह सॉल्व कर दिया, नो बहन बेटी है ना, करो जल्दी। 389 मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम को भी एक नज़र पूरा देखा करो, आपस में कहीं क्वेश्चन कनेक्टेड तो नहीं, ऐसा वैसे इसमें कनेक्टेड नहीं है, फिर भी एक नज़र हमें पूरे को देखना चाहिए, फिर इसको करो कोशिश करो। हाँ भाई करूँ क्या मैं, होरिया इंजेक्टिव मतलब 1-1 है और सर्जेटिक मतलब 1-2 भी है, और जीरो से इन्फिनिटी रखना है, और जीरो से इन्फिनिटी रखने पर उसको जीरो से इन्फिनिटी आंसर देना, तो फंक्शन में आप जीरो रखो क्या देता है देखो, फंक्शन को मेरा क्या मानना है कि जीरो पे जीरो दे देना चाहिए,
तो ही यह संभव होगा। अरे भाई फंक्शन ऐसा होगा तो जीरो रखने पर उसने क्या दिया, नेगेटिव। तो सपने क्या है, इसका नाम इनपुट है, और ये क्या है, सपने। अब सपने सिर्फ पॉजिटिव दिए हैं और तुम नेगेटिव आंसर दे रहे हो, तो ज्यादा आंसर नहीं दिया जा सकता, तो ये नॉट पॉसिबल। अब तुम यदि ऐसा सोचो कि वो ऐसा होगा, तो उसने जीरो रखने पर मान लो तीन से शुरू किया, तो जीरो से थ्री कौन देगा। इसलिए एक ही रास्ता है कि आपका ग्राफ यों जाए। अच्छा एक खास चीज, ये भी चलेगा ये भी चलेगा, यानी माइनस बी अपॉन टू ए या तो जीरो पर हो और फंक्शन जीरो दे दे मिनिमम, या इस तरफ हो और फंक्शन उस पर नेगेटिव दे। मगर फंक्शन को जीरो पे जीरो तो देना ही चाहिए, फंक्शन को जीरो पे जीरो यहां भी देना पड़ेगा यहां भी देना पड़ेगा। अब सुनिएगा, तो के के माइनस वन जीरो, तो या तो के बराबर जीरो है या के बराबर क्या है साहब, या तो के बराबर जीरो है या के बराबर वन है। अरे हाँ हाँ, और माइनस बी अपॉन टू ए लेस देन ओ आर और इक्वल टू जीरो। अरे हाँ, तो माइनस के स्क्वायर माइनस थ्री के प्लस टू अपॉन टू लेस देन इक्वल टू जीरो, तो के स्क्वायर माइनस थ्री के प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। माइनस सामने चला गया, निशान पलट गया, तो ये के माइनस टू के माइनस वन है क्या, तो ये क्या हो गया बताइए, तो ये क्या हो गया भाई, ऐसा हो गया क्या। तो ये इलाका कलेक्ट और ये इलाका करेक्ट, ठीक। यहां आंसर क्या क्या आया था, तो जीरो भी हमारे इलाके में है और वन भी तो है। हाँ आंसर क्या टिक करेंगे, टू। पीछे देखना ए का क्यू है क्या, सही है। चलो कितने लोग मेरे से पहले सफल, अच्छे से हाथ उठाओ, अच्छा काम किया है, बहन बेटियों से नहीं बना, लिखो भाई साहब। ये शीट कितने बच्चों को नहीं मिली तो मैं उसको प्रिंटिंग का बोलूं, सबको है, एक ही को नहीं है ना। 11 12th में कहाँ थे तुम, कहीं कोचिंग करी कि नहीं करी। तो 11th का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 12th में कहीं करी, मैथ्स की नहीं करी। अब तुम कहीं भी नहीं गए तो ये सब कैसे समझ में आएगा दोस्त। हाँ इसमें डामेन का, डामेन डामेन का है, इनपुट क्या है, जीरो से वन ना, तो ये ग्राफ मिट जाएगा दोस्त, सिर्फ ये बचेगा जिंदगी में, ठीक है ना। चलो तो ड्रॉपर हो आप कि फ्रेशर हो, ड्रॉपर। अच्छा ड्रॉप में कहीं कोचिंग करी कहाँ, और तुम्हें ये नहीं सिखाया उन लोगों ने कि ये मिट जाता है। राशिद अहमद खान पढ़ाते थे नहीं पढ़ाते केमिस्ट्री, शुरू में थोड़े दिन कि साल भर, मित्र है मेरे वो। चलो आगे बढ़ो दादा, ये दीदी आपके लिए, इसमें वो सुधार लो जो मैंने आंसर शीट सुधरवाई। बी करो भाई बी, एफ एक्स के सामने अंडर रूट में कुछ लिखा हुआ है और डोमेन कह रहे हैं कि सब कुछ रख दो, तो वो जो आइटम है वो ऑलवेज क्या रहे, पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर में है इसलिए जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसके ऑलवेज पॉजिटिव होने के लिए उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या कर दो, बस नेगेटिव करना पड़ेगा भाई। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ऐसा, तो फोर डॉट सी, फोर सी लेसर देन वन। अब एक खास चीज, सी कहां है, घूंघट में, तो सी
ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो सी कैन बी ओनली व्हाट, तो सी जीरो, बच्चे का नाम जीरो है, बच्चे की संख्या कितनी है वन, इसलिए आर टिक होगा। कितने लोग सफल हो गए थे, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। थैंक यू। सी करो भाई सी, सुनो सुनो बड़े गौर से सुनो भाई, तुम एक्स की जगह पांच रखो चाहे माइनस पांच रखो, तुम क्या तुम्हें ऐसा दिखाई देता है? चेक कर लो आप, कितने लोगों ने पी एक्स ऐसा लिख लिया? सरल निगम, वेरी गुड। रमाओ राघव रमानी, क्या ऐसा करने से सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, राम राम, फिर तो बहुत गलत हो जाएगा। फाइव रूट फाइव रख देते हैं अपन, तो देखो ना उसमें क्या लिखा है, माइनस पांच रखो या पांच रखो, वन आएगा। तो तुम माइनस पांच का स्क्वायर बोलो, पच्चीस माइनस पच्चीस जीरो, ये पूरी चीज जीरो, क्या बचा? अब तुम टू रखो चाहे माइनस टू रखो, जीरो वन। अरे मगर होल्ड, गलत गलत, मेरा सॉल्यूशन गलत। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टर्म उसमें नहीं लिखा, कांस्टेंट देखो गायब है, तो स्टार आएगी इधर से बाबू, मेरा सही है। यहां देखिए सुनिए, मैं सही हूं, सुनिए सुनिए सुनिए, स्टार इसको खोलो, x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, फिर बोलो 25x स्क्वायर, फिर बोलो 100, है ना? कि यहां तक सही हूं मैं? अब सुनो सुनो सुनो, हो गया काम। स्टार x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर प्लस 100 स्टार प्लस 1, और ये टर्म देखो कांस्टेंट नहीं है उसमें, तो इट मस्ट बी व्हाट, तो स्टार इज इक्वल टू, अब तुम इस स्टार की जगह क्या रख दो, माइनस एक बटा 100, और तुम फाइव रूट फाइव रख दो, तो माइनस एक बटा 100 फाइव रूट फाइव का स्क्वायर बोलो। एक काम करो, फाइव स्क्वायर कॉमन हटाओ हटाओ, फाइव स्क्वायर कॉमन, तो रूट फाइव का स्क्वायर फाइव माइनस वन, सही है, फाइव रूट फाइव का स्क्वायर बोलना पड़ेगा, पच्चीस पंजे पचहत्तर, पच्चीस पंजे एक सौ पच्चीस, एक सौ पच्चीस में से चार गए, एक सौ इक्कीस प्लस क्या, तो पच्चीस चौके चौके चौके, तो माइनस एक सौ इक्कीस में एक और दे दिया तो कितने हो गए, देन अच्छा अच्छा है ना बे, है ना है ना है ना, एक तो मॉड लगा है, तो 120 हुआ, 120 को क्या लिख सकते हैं, ये आ गई लेमड़े की वैल्यू। कितने लोग लेमड़ा बराबर तीन पे पहुंचे, कलश तिवारी, सना सैफुल्ला और डुबे, कौन से डुबे, अंकित डुबे। अरे तुमको देखते से ही दिल में ख्याल आना चाहिए था, रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठो, करो ना यार, 390 करना है इसको लिखने के बाद, रीढ़ की हड्डी सीधी रख भैया। चलो एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन करो, लिखिए, इन अ पॉलीनोमियल ऑफ, ये सब भी ले जाओ, इन अ पॉलीनोमियल ऑफ, अरे गोलू वो नहीं ले जाएगा यार, कैसी बात करता है, और ये तुमने उठाया तो इस पे वजन नहीं रखोगे। इन अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 4 इफ एंड को एफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर
इज थ्री, फाइंड पी फाइव. तुमसे बनना चाहिए. तुम यकीन मानो, कक्षा दसवीं को जब पॉलिनोमियल पढ़ाता हूँ तो उनको ये करवाता हूँ. ये पिछले क्वेश्चन जैसा है कुछ, बुद्धि लगाओ. जनरली बच्चा इसमें मालूम आंसर क्या बोलता, 7, 9, 11, 13, 15. अरे तुम तो ये बताओ, ये तुम्हें आता है पहले से ही? हाँ, तो कोई कुछ टेंशन ही नहीं है. कितने लोगों को ये सॉल्यूशन आता है, हाथ उठाओ. दोनों मरोलिया ब्रदर्स, कलश तिवारी, सरल निगम, साहू, कौन सा साहू, विवेक साहू, अंकित दुबे, रमानी. देखिए बच्चा, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं. दरअसल जो पीएक्स है, ये जो लिखा है वो वाला थ्री, 1, 2, 3, 4, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4, प्लस प्लस, दिस इज व्हाट, एपी. इस एपी की nth टर्म बार बार क्या जुड़ रही है, 2, तो 2 के बगल में n बैठेगा, बात खत्म हो गई. अब मैं n की जगह 1 रखूं तो क्या बनना चाहिए, 7. क्या बन रहा, 2. मैं 2 को कोने में ले जाऊं, उसके साथ क्या करूं कि 7 हो जाए, प्लस 5 क्या, तो ये बन गया 2x प्लस 5. अब आप चेक कर लीजिए, आप 1 रखिए, ये पूरा 0, ये बन गया 7. आप 2 रखिए, ये पूरा 0, बन गया 9. कितने लोग इसे ऐसा लिख पाए? अभी जो नाम बोले थे उसमें नाम बढ़ गए. क्या नाम भैया का? शुभम साहू. तुम लिख पाए जीवन में, सफेद टी शर्ट वाले? क्या नाम तुम्हारा? सिद्धांत सक्सेना, आर्यंस पवार. बता, बाकी लोग नहीं लिख पाए? बाकियों के तो पहले नाम ले लिए था ना मैंने. इसी डुबे नहीं लिख पाया? नहीं, ये आगे वाला डुबे. आज की क्लास मैं रोकता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़रूरी 2-3 काम है, और कल ये शीट ख़त्म हो जाएगी तो अगली शीट भी आज मुझे लिखना है. अरे हाँ, तो आप लोग सीधे धूप में बाहर नहीं जाएंगे, पहले वॉशरूम जाएंगे और फिर खूब सारा ठंडा पानी पिएंगे, आपकी बोतल का, प्लास्टिक का, गर्म नहीं. ऊपर से एक्वागार्ड में से, कूलर में से ठंडा पानी पिएंगे और फिर आप बाहर धूप में निकलेंगे. या फिर वो लेक्चर 44 की तीसरी क्लिप का आखिरी का देखना है वीडियो, तो वो देख के जाओ कि इन 40 दिनों में कैसे जीना है. ठीक बच्चा, तुम रोज टालोगे ना, कल देखूंगा, सब मिट्टी पलित हो जाएगा. फिर तुम आखिरी में आके कहोगे कि अब सब वाट लग गई, अब सुधार दो, तो वो फिर हो नहीं पाएगा. ये शीट किसकी थी भाई?